A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground Floor, John Tower, College Chauraha, Rewa. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में. प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही विकास यात्रा के समापन में आज सिंगरौली जिले में प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह की मौजूदगी में चितरंगी विधानसभा क्षेत्र के गांव में समापन हुई. इसकी इस विकास यात्रा के माध्यम से प्रभारी मंत्री ने देश और प्रदेश सरकार की जन कल्याण कार्य योजनाओं से कई हितग्राहियों को लाभ दिया और इन योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राहियों को दिए जाने के निर्देश भी दिए. एक ओर जिले के चितरंगी विधानसभा में इस विकास यात्रा का कई जगह विरोध हुआ तो वहीं दूसरी ओर प्रभारी मंत्री ने इस यात्रा को सार्थक होता बताया. कार्यक्रम के दौरान ही सीधी में हुई भीषण बस दुर्घटना के बारे में भी लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. एक महीने से ये विकास यात्रा चल रही है गांव गांव. विकास यात्रा को कितना सार्थक मानते हैं कि जनता तक आपकी योजनाएं पहुंच पाई हैं और उनको सार्थक लाभ मिला है? आपको मालूम होगा कि कुछ महीने पहले हमने एक जनसेवा अभियान के तहत भी हमने कार्यक्रम चालू किया और उसमें पूरे जिले के अंदर 1,67,000 से ज़्यादा लोगों को हमने लाभान्वित किया. अब ये विकास यात्रा मुख्यतः जो हमारे क्षेत्र के विकास के काम है, चाहे लोकार्पण के हों, चाहे जो नए काम हैं या जो भविष्य में होने वाले और भी हमारे ऐसे काम हैं, उनको हम चिन्हित करने का भी काम कर रहे हैं. और इसके साथ साथ हम ये भी चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है कि घर घर चिन्हित करके कोई भी पात्रता में आने वाला व्यक्ति, भली वो किसी भी विभाग का हो, उसको लाभ देने के लिए हम लोग निरंतर हमारी विकास यात्राएँ चल रही हैं. और ये पहली बार ऐसा संभव हुआ है कि कभी इतना प्रशासकीय अमला या जनप्रतिनिधि गांव में या पंचायतों में जा रहे हैं. पहले यदि ये सब हुआ होता तो शायद इतना जरूरत हमें ना पड़ती. इसलिए आज हमारा मूल उद्देश्य है कि गरीब आदमी को हम कैसे उसको लाभ दिलाएं जो बचे हुए हैं और उसको पात्रता के हिसाब से उसको वो लाभ मिलना चाहिए. और भी कोई यदि उसकी चीज़ें हैं गरीबी रेखा को लेके, नामांतरण बंटवारा को लेके या कोई भू अधिकार को लेके किसी योजना को लाभ, वो भी हम दिलाने का काम कर रहे हैं. सर, राजनीति के कार्यक्रमों में उसकी बद इंतजामी की वजह से सीधी क्या भीषण दुर्घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं और क्या कहते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है वो. ये कोई अचानक घटना घट जाए, कोई प्रायोजित घटना तो है नहीं. अब किसी ट्रक का टायर फट जाए, वो टकरा जाए बस से जाके, ये तो अप्रत्याशित है, दुर्भाग्य. सवाल ये आ रहे हैं कि यात्री बस में 100 यात्री भरे हुए थे. अ न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय ProSkill Hub. गेट योर ड्रीम जॉब. एड्रेस: ग्राउंड फ्लोर, जॉन टावर, College Chauraha, Rewa.